अच्छा जी, आज मैं आपसे बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, इससे पहले जिससे आपकी स्किन ब्राइट होगी, ग्लो करेगी, मुरझाई हुई जो स्किन है वो फ्रेश हो जाएगी और इसे ब्राइटल लुक देगा। सबसे अच्छी बात है उसे टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें। अच्छा जी, अब मैं जो आपको चीज़ बताने लगी हूँ बहुत ज़बरदस्त, बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये। और ये बच्चे जो हैं, जो हम जिनके फेसेस पे हम केमिकल्स और क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते, वो भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। हर्बल चीज़ है ये, इससे चेहरा आपका बहुत ब्राइट हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, छाइयाँ ख़त्म होंगी और आपकी स्किन ब्राइट बिल्कुल रोशन हो जाएगी। और जैसा आप लोग चाहते हैं कि वो क्रीम से हो जाए तो उससे बेहतर है कि आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप ये हर्बल चीज़ यूज़ करें, क्योंकि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और ये हर कोई यूज़ कर सकता है। अच्छा जी, आज मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो क्या चीज़ है, वो है ये बेरी के पत्ते। ये देखें, ये खुश बेरी के पत्ते हैं मेरे पास। अच्छा, ये आप चाहें तो, अगर मैं तो आपको कभी प्रेफर नहीं करूँगी कि आप वो जो हैं वो खुश ना लें, ताज़ा लें, क्योंकि ताज़ा जो है वो फिर आप रख नहीं सकते, वो ख़राब हो सकते हैं। ताज़ा आप उसको अपने पास रख नहीं सकते, जो खुश फॉर्म में ही अपने पास रख सकते हैं, ज़्यादा अरसे तक अपने पास महफूज कर सकते हैं, जबकि जो ताज़ा पत्ते हैं वो अपने साथ आप महफूज नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाएंगे। हाँ, अगर आप चाहें तो आप ताज़ा पत्तों को लेके उसको ड्राई करके अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, मैंने जो ये बेरी के पत्ते लिए हैं, ये मैंने पंसार से लिए हैं, पंसार के पास भी मिल जाएंगे, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होता बेरी का दरख्त। अगर आपके पास कहीं हो तो आप उसके पत्ते तोड़ के उसको खुश करके, ड्राई करके, सुखाने के बाद आप उस तरह से रख सकते हैं। अच्छा, पंसार के पास जो मिलते हैं वो आपको इस फॉर्म में मिलेंगे। मैंने इसको इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना लिया है, ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। अच्छा, ग्लो के लिए आपको चाहिए कि आप इसको हमेशा मिल्क के साथ यूज़ करें। अच्छा, अगर इनकी ड्राई स्किन है वो उसके साथ मलाई के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल स्किन वाले और जो ऑयली स्किन है वो उसके साथ रॉ मिल्क के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आपने इसका इसका पेस्ट बना लेना है, जितना आपको चाहिए उतना आप ले लीजिए, थोड़ा सा मिल्क ऐड करें इसमें, उसका पेस्ट बना लेना, इतना मिल्क ऐड करना है कि इसका एक पेस्ट बन जाए। देखिए, इसका पेस्ट सा बन गया है और ये मैंने पीस लिए हैं, कुछ पत्ते थे जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ये देखिए, ऐसा पेस्ट सा बन गया है, ये देखिए, ऐसा पेस्ट सा बन गया है। अब आपने इस पेस्ट को डेली बेसिस पे मास्क को 15-20 मिनट्स फेस पे लगाना है, फेस को वॉश करके, किसी भी एज को, टीनेजर बच्चे भी इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से पेस्ट बन जाएगा और आपने इसको डेली बेसिस पे लगाना है। आप देखिएगा, आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा, आपका स्किन पे ग्लो होगा, ब्राइटन लुक आएगा, चेहरा एकदम फ्रेश हो जाएगा। जिनकी स्किन बहुत मुरझाई हुई रहती है, डल रहती है, फ्रेश नहीं रहती, उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है और इतना ज़बरदस्त ग्लो, नेचुरल ग्लो आएगा जो आपका किसी क्रीम से नहीं आता। किसी क्रीम से जो आते हैं वो आपको नेचुरली लगते हैं, साफ लगता है कि आपने कोई उस पर चेहरे पर कुछ अप्लाई किया हुआ है, जबकि जो नेचुरल ग्लो होता है वो एक अलग ही होता है, जो कि आपको सिर्फ इन नेचुरल चीज़ों से ही आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसको बच्चे भी आराम से लगा सकते हैं, जो आजकल की बच्ची हैं जिनकी स्किन डल हो रही है, ख़राब हो रही है, उनके लिए बहुत बेस्ट है। उसका पेस्ट आप डेली बेसिस पे लगाएं, जब आपका स्किन ग्लो करने लगे, ब्राइटन होने लगे, इफेक्ट आने लगे, तो उसके बाद आप हफ्ते में इसको 2-3 दफ़ा यूज़ करें। कम से कम 15-20 मिनट्स को लगाना है फेस वॉश करने के बाद, और फिर आपने इसको चेहरे को धो लेना है। आप देखिएगा, इससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा जिसने भी यूज़ किया, ताकि मुझे पता चल सके कि इसको मेरी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है कि वो नहीं हो रहा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जब तक के लिए मैं आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।